वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड सपोर्टिंग मटेरियल्स मेथड टू यूज़ देम विद एप्लीकेशन। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था इंट्रोडक्शन टू द इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग हम क्यों पढ़ते हैं, तो ये हमारा नेक्स्ट उसी से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए हमें किस किस टूल और इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है और उनके क्या क्या यूजेस होते हैं। तो आगे हम देखते हैं, द इंस्ट्रूमेंट एंड अदर एड्स यूज इन ड्राफ्टिंग वर्क्स आर लिस्टेड बिलो। ड्राइंग बोर्ड, सेट स्क्वायर्स, फ्रेंच कर्व्स, टेम्पलेट्स, मिनी ड्राफ्टर, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, प्रोटेक्टर, सेट ऑफ स्केल्स, ड्राइंग शीट्स, पेंसिल्स एक्सेट्रा। तो फर्स्ट हम देखेंगे ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड क्या होता है? ड्राइंग बोर्ड वुड का बना हुआ होता है और थोड़ा सा जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी होती है। तो इस पर हम अपनी ड्राइंग शीट रखते हैं और उस पर ड्रॉ करते हैं। तो ये भी स्टैंडर्ड ड्राइंग बोर्ड्स आर डेजिग्नेटेड एज फॉलो एज पर IAS 1444/1989 के अकॉर्डिंग बने होते हैं। तो जैसे जो फर्स्ट नंबर है डी नोट है वो सबसे बड़ा साइज़ है और D3 सबसे छोटा। तो जो डी नोट है उसका साइज़ है और जो सारे डायमेंशंस है वो मिलीमीटर्स में है। तो 1500 mm तो उसका लेंथ हो जाएगा और ब्रेथ हो जाएगा 1000 mm और 25 mm उस बोर्ड की क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो इसी तरह D1 है वो 1000 × 700 × 25 mm का होगा और जो D2 है, सॉरी इसमें मिसप्रिंट हो गया, ये 1000 × 500 × 15 mm है और जो D3 है वो 500 × 350 × 15 mm है। तो इसमें अपन देख सकते हैं ये जो ब्राउन कलर का दिख रहा है इसको अपन ड्राइंग बोर्ड बोलते हैं। इसके ऊपर अपनी वाइट कलर की ड्राइंग शीट रखी हुई है और ये मिनी ड्राफ्टर रखा हुआ है। इस पर यहाँ पर अपन खड़े होकर ड्रॉ करते हैं। ये इसमें भी आप देख सकते हैं ये पूरा ड्राइंग बोर्ड है। नेक्स्ट है अपना टी स्क्वायर। इट इज़ ऑफ टी शेप। ऐसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये टी शेप में होगा। मेड ऑफ वेल सीजन वुड, ये भी वुड का बना होता है और इसके दो पार्ट्स होते हैं, हेड और ब्लेड। वन ऑफ द एज ऑफ द ब्लेड इज द वर्किंग एज। जो ब्लेड होती है वो वर्किंग एज होती है, ब्लेड पर ही अपन काम करते हैं। द ब्लेड इज स्क्रूड टू इज हेड सच दैट द वर्किंग एज इज अ ट्राइंगल टू हेड। जो हेड और ब्लेड होता है वो एक दूसरे के 90 डिग्री पर सिचुएटेड होते हैं। द टी स्क्वायर इज यूज विथ इट्स हेड अगेंस्ट द इबोनी एज ऑफ द ड्राइंग बोर्ड टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन्स, पैरेलल लाइन्स एंड टू गाइड होल्ड द सेट स्क्वायर, स्टेंसिल एक्सेट्रा। टी स्क्वायर क्यों काम आता है? ये हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन्स बनाने में, पैरेलल लाइन्स ड्रॉ करने में, सेट स्क्वायर को रखने में, स्टेंसिल्स को रखने में यूज़ होता है। तो ये देखिए ये होता है टी स्क्वायर। तो इस तरह अपने कहा ये होता है इसका ब्लेड और ये होता है इसका हेड। तो ये दोनों किस पे 90 डिग्री पे सिचुएटेड है। अब अपन इसको जूम करके देखेंगे अगर, तो ये अपनी हो गई ड्राइंग शीट है और ये है अपना टी स्क्वायर। ये टी शेप में दिख रहा है आपको, ये टी स्क्वायर हो गया। ये है इसकी ब्लेड जिस पर ये, इसको वर्किंग एज कहते हैं, इस पे अपन अपना काम करते हैं। और ये क्या हो गया, इसका हेड। तो इसे ये कनेक्टेड है और किस पे है, 90 डिग्री पे कनेक्टेड है। और इसमें ये दे रखा है वर्किंग एज ऑफ द बोर्ड मस्ट बी स्ट्रेट। जो ये बोर्ड का वर्किंग एज है ये स्ट्रेट होना चाहिए और ये जो ब्लेड है टी स्क्वायर की वो भी स्ट्रेट होनी चाहिए। ये किस किस का बना होता है टी स्क्वायर? वुड, प्लास्टिक, सेल्यूलॉइड। और इसमें एक लास्ट में एक छोटा सा होल होता है हैंग करने के लिए। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक एज मिट्स सींग ऑफ ड्राइंग अंडरनीथ। अगर ये प्लास्टिक वुड की जगह अगर प्लास्टिक में होता है टी स्क्वायर तो ये अच्छा रहता है, ये अपनी हेल्प करता है अच्छे से ड्रॉ करने में। तो ये क्या काम आता है, जैसे अपन ने ड्राइंग बोर्ड में ड्राइंग शीट रखी, ड्राइंग बोर्ड के ऊपर अपन ड्राइंग शीट रखी और उसके ऊपर अपन ने टी स्क्वायर अपना एकदम फिक्स कर लिया। टी स्क्वायर फिक्स करके अगर अपन को कोई हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर कोई अपना सेट स्क्वायर रखना है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन में है, यहाँ पे अपन अपना सेट स्क्वायर रख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए, पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए, तो इस तरह ये टी स्क्वायर हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मिनी ड्राफ्टर क्या होता है। मिनी ड्राफ्टर इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिवाइस यूज्ड फॉर मेकिंग ड्राइंग्स क्विकली एंड एक्यूरेटली। मिनी ड्राफ्टर से जो अपनी ड्राइंग है वो बहुत ही जल्दी और बहुत ही सही बनती है। इट सर्व्स द फंक्शन ऑफ अ टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर एंड स्केल। ये किस किस चीज़ के फंक्शन एक साथ कर सकता है, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर और स्केल।
ये अलग अलग डिफरेंट साइजेस में आता है और इसका एक पैटर्न होता है जिसको अपन बोलते हैं पेंटाग्राफ टाइप। इट इज़ फिटेड ऑन द टॉप लेफ्ट साइड ईच ऑफ द ड्राफ्टिंग बोर्ड एंड माउंटेड ऑन एन एडजस्टेबल फ्रेम और टेबल। तो इसमें अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे एक बार। ये बोला कि टॉप ये अपना बोर्ड आ गया ब्राउन कलर का, ये शीट आ गई, शीट आ गई। अब मिनी ड्राफ्टर इसमें दिख रहा है अपन को, ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर में लगा हुआ है और इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इट रिक्वायर्स लार्ज एरिया ऑफ वर्किंग प्लेस, इसको थोड़ा सा लार्ज एरिया चाहिए काम के लिए। द एंगल ऑफ द ड्राफ्टिंग बोर्ड कैन बी एडजस्टेड बाई पैडल ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसको अपन एडजस्ट भी कर सकते हैं किसी एंगल पर भी। देयर आर टू काउंटर वेट्स टू बैलेंस द एंगुलर पोजिशन ऑफ द बोर्ड एंड द ड्राफ्टिंग हेड, इट इज़ मोर सुटेबल फॉर प्रोडक्शन ड्राॅइंग ऑफिस। तो इसमें हम आगे देखेंगे, ये आपको दिख गया ये मिनी ड्राफ्टर होता है। इसको और आगे अच्छे से देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में अपन। ये जो बोर्ड पर अपन लगाते हैं फिक्स करते हैं, इसको बोलते हैं फिक्सिंग क्लैंप विथ स्क्रू। अब यहाँ पे इसको ये थोड़ा गैप होता है जिसमें अपन बोर्ड फिट करके ऊपर से स्क्रू से इसको टाइट कर देते हैं। ये होती है इसके पैरेललोग्राम बार्स, ये भी होती है पैरेललोग्राम बार्स, ये होती है पाइवट प्लेट जिससे अपन इसको मूव कर सकते हैं। अब इसमें ये होता है इंडेक्स प्लेट, इसमें होता है लॉकिंग नॉब, लॉकिंग नॉब से अपन इसको रेफरेंस मार्क पे सेट करते हैं। यहाँ पे ब्लैक कलर का मार्क दिखेगा आपको, इसको मार्क पे सेट करते हैं। तो ये दो स्केल्स रहते हैं यहाँ पे जो 90 डिग्री पे सिचुएटेड होते हैं। अब इसका काम कैसा हो गया, ये एक तरह से टी स्क्वायर का काम भी कर रहा है, प्रोटेक्टर का काम भी कर रहा है, ठीक है, स्केलिंग का भी काम कर रहा है। तो ये एक साथ बहुत सारे इसके फंक्शंस होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आपने फिक्सिंग क्लैंप से फिक्स कर दिया है इसको। और जैसे अगर आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ पे इसको अच्छे से फिक्स करके लॉकिंग नॉब से, फिर यहाँ पे आप अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं शीट पर। देखो ये मूवेबल भी होता है, यहाँ पे अपने लगा दिया ऐसे, अगर आपको यूज़ करना है ऐसे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे लगा कर, यहाँ पे अगर आपको लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे लगा के, आपको लाइन अगर यहाँ तिरछी ड्रॉ करनी है तो आप यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट्स, दिस सेक्शन स्पेसिफाइज साइजेज ऑफ ब्लैंक एंड प्री प्रिंटेड ड्राइंग शीट्स फॉर यूज़ विथ ऑल टेक्निकल ड्राइंग्स इन एनी फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग। जो ड्राइंग शीट्स होती है वो दो टाइप की होती है, एक तो हैंडमेड ड्राइंग शीट्स होती है और एक जो मिल के द्वारा बनी हुई शीट्स होती है। तो जो अपन यूज़ करते हैं वो मिल मेड शीट्स होती हैं। हैंडमेड शीट्स पर इतना अच्छे से अपन वर्क नहीं कर पाते हैं, तो वो ब्लैंक होती है एकदम अपने यूज़ करने के लिए। तो द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन अराइविंग एट द साइजेस ऑफ ड्राइंग पेपर इज एज अंडर, द एरिया ऑफ द बिगेस्ट साइज, जो बिगेस्ट साइज होती है उसकी ए नॉट होते हैं, उसको ए नॉट बोलते हैं, और उसका साइज क्या है 1 meter square एंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ आर इन द रेशियो 1:2। लेट एक्स एंड वाई आर द साइड्स ऑफ द पेपर, द सर्फेस एरिया ऑफ ए नॉट इज 1 meter square, देन द साइड्स आर एक्स इक्वल टू 0.84 meter एंड वाई इक्वल टू 1.189 meter। तो इसमें इसके साइजेस देखेंगे, ए नोट है वो सबसे बड़ा है और सारी डायमेंशन किस में है मिलीमीटर्स में है। तो ए नोट शीट है उसकी कितनी है लेंथ एंड ब्रेथ 841 × 1189 mm, ए वन है 594 × 841, ए टू से छोटा 820 × 594, ए थ्री 297 × 420, ए फोर 210 × 297। जो ज़्यादातर अपन रजिस्टर यूज़ करते हैं अपने नोटबुक के लिए वो ए फोर साइज में आते हैं, 210 × 297 mm। अब ड्राइंग शीट साइज अपन देखेंगे, ये सबसे बड़ी साइज है ए नॉट, ठीक है, और इसके हाफ से थोड़ी सी बड़ी है ये ए वन, देन ये हो गई ए टू, ए थ्री और सबसे लास्ट में ए फोर साइज। इरेजिंग शील्ड क्या होता है, वैन ऑन अ ड्राइंग इफ अ पार्ट ऑफ अ लाइन और सम लाइन्स अमंग मैनी अदर लाइन्स नीड टू बी इरेज्ड और मॉडिफाइड इन नॉर्मल वे ऑफ इरेजिंग विल डैमेज द अदर नियर बाय लाइन्स। एज अ ह्यूमन बींग हम किसी भी काम को परफेक्टली नहीं कर सकते, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये चांसेस रहते हैं कि हम उसमें एरर कर देते हैं, कोई चीज़ कोई लाइन या कुछ भी अपन इसमें गलत ड्रॉ कर देते हैं या फिर वो अपन को इरेज करना है। तो अगर हम इसको नॉर्मल तरीके से इरेज करेंगे तो इसके आसपास वाली लाइन है या जो हमने ड्रॉ किया है उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा और वो और गंदे हो जाएंगे, तो इसलिए अपन इरेजिंग शील्ड यूज़ करते हैं।
In such a situation, an erasing shield is effectively useful. It is a thin metallic sheet having small openings of different sizes and shape. ये metallic sheet होती हैं जैसे stencils होते हैं उसी तरह से ये metallic sheet होती है और इसमें अलग अलग different openings बने होते हैं size और shape के. A suitable opening is aligned to the line to be erased and the line is removed by the eraser. तो जैसे कि देखेंगे अपन, ये स्टेंसिल है, ये मेटलिक का बना हुआ, इसमें अलग अलग टाइप के साइज एंड शेप के होल करे हुए हैं, ठीक है. तो आपको जैसे ये इधर ये लाइन आपको इरेज करनी है, तो आपने अपना जो इरेजिंग शील्ड है वो रखा है यहाँ पे और आपने इरेज कर दिया यहाँ पर, तो इससे क्या होगा, ये क्लियरिटी बनी रहेगी और सिर्फ जो इरेज वाली चीज़ है वो यहीं पर रहेगी. तो इससे आपका वर्क जो होगा, जो आपकी ड्राइंग शीट होगी, वो नीट एंड क्लियर रहेगी. नेक्स्ट अपन देखेंगे सेट स्क्वायर्स. सेट स्क्वायर्स क्या होते हैं ये आपको दिखा देते हैं. ये दो टाइप के सेट स्क्वायर है, एक 45 डिग्री का सेट स्क्वायर है, एक 30 डिग्री और 60 डिग्री का सेट स्क्वायर है. ये जो होता है ये 250 mm का होता है और ये होता है ये 200 mm का होता है. दे आर टू इन नंबर, ईच हैविंग वन कॉर्नर विथ 90 डिग्री. इनका एक कॉर्नर क्या होता है 90 डिग्री का होगा. ये आपने बता ही दिया है कि 30-60 डिग्री 250 mm लॉन्ग होता है और दूसरा 45 डिग्री 200 mm लॉन्ग होता है. सेट स्क्वायर समटाइम लूज देयर एक्यूरेसी ड्यू टू इंटरनल स्ट्रेन, सो दे शुड बी टेस्टेड पीरियोडिकली. इसको अपन को टेस्ट बार बार टेस्ट करते रहना चाहिए ताकि इसमें अपनी एक्यूरेसी बनी रहे. समटाइम्स सेट स्क्वायर्स हैव फ्रेंच कर्व्स, कभी कभी इनके अंदर सेट स्क्वायर के अंदर फ्रेंच कर्व्स भी बने आते हैं. फ्रेंच कर्व्स हम आगे डिस्कस करेंगे. सेट स्क्वायर आर यूज टू ड्रॉ ऑल स्ट्रेट लाइन एक्सेप्ट हॉरिजॉन्टल लाइन. इसको अपन हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाने में काम में नहीं लेते हैं. इट इज़ कन्वीनियंट टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन यूजिंग मिनी ड्राफ्टर. ये अपने लिए अच्छा रहेगा कि हम स्ट्रेट लाइन मिनी ड्राफ्टर से ही बनाएं. विद द हेल्प ऑफ मिनी ड्राफ्टर एंड मैनिपुलेटिंग 45 डिग्री 30-60 डिग्री सेट स्क्वायर्स एंगुलर लाइंस इन द मल्टीपल ऑफ 15 डिग्री पैरेलल लाइंस टू गिवन इंक्लाइन लाइंस एंड परपेंडिकुलर टू कैन बी ड्रॉन. सेट स्क्वायर्स विथ ग्रेजुएटेड बेवल एज एंड फ्रेंच कर्व ओपनिंग्स आर प्रेफरेबल. दे आर ऑल्सो यूज टू ड्रॉ स्मूथ कर्व. सेट स्क्वायर शुड नेवर बी यूज एज गाइड फॉर ट्रिमिंग. ट्रिमिंग पेपर के लिए यूज नहीं होते. तो इस तरह हमने देखा ये 45 डिग्री के एंगल पर रहता है, ये 30 डिग्री के एंगल पर रहता है, 60 डिग्री है. तो इस तरह अपन ये वाले एंगल इससे ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अपन को इसको स्ट्रेट लाइन मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन वगैरह बनाने में यूज़ नहीं लेना. हॉरिजॉन्टल लाइन्स अपन मिनी ड्राफ्टर से बनाएंगे तो एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी. ये आपने देखा ये होता है फ्रेंच कर्व. कभी कभी सेट स्क्वायर के अंदर ही ये फ्रेंच कर्व्स बने हुए आते हैं और इस सेट स्क्वायर के अंदर ये क्या बना हुआ है जिसे अपन क्या बोलते हैं डी. और फ्रेंच कर्व्स क्या होते हैं, दिस आर मेड इन मैनी डिफरेंट शेप्स नॉर्मली कम इन सेट्स ऑफ 6, 12, 16 एक्सेट्रा. ये अलग अलग शेप में बने हुए होते हैं. फ्रेंच कर्व्स आर बेस्ट सूटेड टू ड्रॉ स्मूथ कर्व्स आर्क्स विथ ईज. ये स्मूथ कर्व्स बनाने के काम आते हैं, आर्क्स बनाने के काम आते हैं. टू ड्रॉ स्मूथ कर्व यूजिंग फ्रेंच कर्व फर्स्ट सेटेड बाय ट्रायल अगेंस्ट अ पार्ट ऑफ द लाइन टू बी ड्रॉन देन शिफ्टेड टू द नेक्स्ट पोर्शन. ये हम आगे देखेंगे ड्राइंग में. ईच न्यू पोर्शन शुड फिट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स ऑन द कर्व जस्ट ड्रॉन. इट शुड be seen that the curve is increasing or decreasing smoothly and no corner should be formed on the curve. Curve में कोई corner form नहीं होना चाहिए. अब जैसे ये अलग अलग shape के French curves बने हुए हैं, अब इसको अपन को curve बनाना है. जैसे अपने यहाँ पे रखा French curve, ये देखो यहाँ पर अपने ये curve draw कर दिया, फिर second अपन यहाँ पर रखेंगे, फिर यहाँ पर curve draw कर देंगे. से अपन यहाँ पर रखेंगे French curve, ये draw किया, फिर यहाँ पर लास्टली अपन ने यहाँ पर रखे ये draw किया, तो इस तरह ये पूरा एक सर्कल बन जाएगा. तो आगे के हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. थैंक यू फॉर विजिटिंग आवर यूट्यूब चैनल.